राजपाल यादव की ऐसी शख्सियत है जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद वो मुकाम हासिल किया जहां पर आज वो हैं। उन्होंने कई दशक तक ये संघर्ष किया है। 90 के दशक में उन्हें एक छोटा सा रोल मिला। किसी तरह उन्होंने एक्टिंग की, फिल्मों में काफी बाद में वो आए, लेकिन आपको बता दें कि बतौर कॉमेडियन उनकी पहचान लगातार बनी रही। शाहजहांपुर से बिलोंग करते हैं राजपाल यादव और यहाँ पर कुलरा नाम का एक छोटा सा कस्बा है जहाँ पर उनका जन्म हुआ। राजपाल यादव के लुक्स देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी फिल्मों में चमकेंगे। कॉमेडी के लिए टाइमिंग बेहद जरूरी चीज होती है जिस पर लोग ठहाका लगा सके। आपकी बातों में इतना दम होना चाहिए जो लोगों को उनके गम भुलाने में मदद करे, लेकिन बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। राजपाल यादव ने इस USP को ही एनकैश किया। राजपाल यादव ने जिन एक्सप्रेशन के साथ हंसाने की कला में महारत हासिल की वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना जबरदस्त है कि लोग उनके दीवाने हो गए। बहुत छोटे से किरदारों के साथ राजपाल यादव ने फिल्मों में दिखना शुरू किया, लेकिन उसके बाद लोगों ने ये ठान लिया कि राजपाल यादव उनके वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन हैं और रहेंगे। लेकिन आज वो जहाँ पहुँचे हैं वहाँ तक पहुँचना उनके लिए आसान नहीं रहा। आपको बता दें कि राजपाल यादव का मन पढ़ाई में नहीं लगता था, उन्होंने खुद ये बात इंटरव्यू में कही है। वो सिर्फ मौज मस्ती करते रहते थे। किसी तरह उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की, इसके बाद वो शाहजहांपुर के लोकल थिएटर ग्रुप कोरोनेशन आर्ट थिएटर से जुड़ गए। उसके बाद लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकेडमी से उन्होंने 2 साल की एक्टिंग डिप्लोमा भी हासिल की। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वो पहुंचे जहां न्यू टैलेंट को जगह मिलती थी और पहचान भी। 1997 से राज्यपाल पास आउट हुए और उसके बाद मुंबई के लिए रवाना हो गए जहां पर उनका लंबा संघर्ष हुआ। एक सीरियल स्वराज में पहली बार वो दिखे, इसके बाद कई सीरियल्स में वो दिखे। आपको बता दें कि जहां तक एक्टिंग की बात है तो कई साल बाद राजपाल यादव दिल के अकरे में देखे गए जहां पर वो स्कूल वॉचमैन के किरदार में नजर आए। ये एक प्रोमिनेंट रोल बना क्योंकि इसने ही राजपाल यादव को अच्छी खासी पहचान दिलाई। इसके बाद तो राजपाल यादव को कई काम मिला और उनकी पहचान इंडस्ट्री में बन गई। कॉमेडी के बादशाह के नाम से भी राजपाल यादव जाने गए। हालांकि कई विवाद भी उनकी जिंदगी से जुड़े रहे, लेकिन हर एक विवाद से और हर एक संघर्ष से पार पाया राजपाल यादव ने। उन्होंने कहा कि मैं लगातार एंटरटेन करना चाहता हूँ, मैं लगातार लोगों को हंसाना चाहता हूँ। हाल फिलहाल में सबसे बड़ी हिट उनकी रही भूल भुलैया, जिसमें लाल पाउडर लगाए छोटे पंडित के किरदार में वो ऐसे जमे और जचे कि सालों बाद भी लोग लगातार उन्हें याद करते हैं। उनके इस किरदार पर कई मीम्स भी बनते हैं और लोग आज भी उनके इस किरदार को देखकर या याद करके हंसते हैं। एक लंबे संघर्ष से गुजरे राजपाल यादव ये बताते हैं कि जीवन में किसी भी हालात का सामना आप हंसते हुए भी कर सकते हैं।